पहले मुरर ट्रेडिंग जो है, पहले जो पूरा अकाउंटिंग सिस्टम था स्टॉक मार्केट का और ब्रोकर्स का, वो सब दिवाली के समय उसका ईयर एंड होता था, और दिवाली के दिन से, लक्ष्मी पूजा के दिन से नए बही खाता और पूरा अकाउंट्स बुक्स और चालू होते थे। नया पूरा का पूरा ईयर एंड होता था और नए खाता से, खाता बही से पूरा का पूरा चालू होता था। सो उस समय जो फिजिकल खाता बही चेकबुक जो भी सब बिजनेस के ये है आपके बुक्स वगैरह, उसकी पूजा करते थे, क्योंकि उसके उसके कारण से ही लक्ष्मी आती थी। तो लक्ष्मी पूजा के दिन उसका पूजा होता था और नए साल के शुरुआत में उसका मुहूर्त ट्रेडिंग करते थे। नए साल को चालू करने के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग करते थे। सो दैट यूज़ टू बी मोस्ट ऑस्पिशियस ट्रेडिंग, एंड साल में एक बार लक्ष्मी पूजा के दिन होता था। चाहे लक्ष्मी पूजा संडे को रहे चाहे कुछ भी रहे, लेकिन शाम को 6-7 बजे लक्ष्मी पूजा के ठीक पहले और एट दैट टाइम मुहूर्त निकाल के बराबर। और ये क्या गुजराती ट्रेडिशन है, BSE जो है इट वॉज डोमिनेटेड बाई गुजरातीज एंड मावारीज इन द पास्ट। सो ये गुजराती कल्चर है और ये पूरा नॉर्थ इंडिया का बहुत बड़ा फेस्टिवल है, तो उसके कारण से लक्ष्मी पूजा से, और ये क्या है, लक्ष्मी पुत्रों की नगरी है और लक्ष्मी पुत्रों का मार्केट है, तो उसी कारण से लक्ष्मी पूजा का इम्पोर्टेंस है। देखिए बाज़ार में ये क्या है कि थोड़ा सा बुलिश माहौल है, इसमें जो इकोनॉमी बहुत अच्छे ढंग से चल रही है और 6-7% का ग्रोथ है, नॉमिनल ग्रोथ 10-12% का है, तो सब बिज़नेस अच्छे करेंगे, मतलब मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस विल डू वेल। लेकिन कुछ बिजनेसेस जो हैं इस समय काफ़ी, मतलब ऐसा मुझे दिख रहा है कि जैसे आपका डिजिटल बिजनेसेस हैं, जो डिजिटल कंपनीज हैं जिनके बिजनेसेस डिजिटल इंस्पायर्ड हैं। अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बहुत अच्छा हो गया है और डिजिटल यूज़र्स भी काफ़ी हो गए हैं, सो उसके ऊपर से जो बिज़नेस बन रहा है, जिसके प्लेटफॉर्म में बन रहा है, वो सिर्फ यहाँ नहीं पूरे विश्व में वो सब कंपनी जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनीज हैं वो सबसे बड़े वेल्थ क्रिएटर्स हैं। तो इंडिया में भी कम है लेकिन अब वो भी आने चालू होंगे, सो वो एक बड़ा ट्रेंड है, उसमें कंपनीज कम रहेंगी लेकिन वेल्थ बहुत फास्ट क्रिएट होगा और बहुत बड़ा क्रिएट होगा, सो वो एक ट्रेंड है। दूसरा ये जो है कि हाउसिंग में बड़ा बूम है, मतलब हर कंट्री का राइज जो है ना वो हाउसिंग बूम से ही चालू होता है। सो आफ्टर 8-10 years ऑफ स्टेग्नेशन नाउ इंडियन हाउसिंग रियल्टी इंडस्ट्री इज़ डूइंग वेल, और ये तो अभी शुरुआत है, 2-3 साल हुआ है अभी। मुझे लगता है ये बड़ा ट्रेंड बनेगा और काफ़ी उसके कारण से, उसके चलते बहुत सारी चीज़ें जो घर में लगती हैं, चाहे पंखे हैं, केबल्स हैं, वायर्स हैं, स्विचेस हैं, टाइल्स हैं, पेंट्स हैं, सब कुछ में डिमांड आएगा, तो उसका भी इफेक्ट जो है ना आपको ब्रॉड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी दिखेगा। तीसरा दिख रहा है कि भाई आपका जो कैपिटल कैपेक्स है, जो गवर्नमेंट का कैपेक्स प्रोग्राम है, वो बढ़ते जा रहा है, क्योंकि देखिए टैक्स कलेक्शन बहुत अच्छा है और अब जो गवर्नमेंट की बजट से 2-3% 4% ऑफ द लार्जर GDP वो जो है कैपेक्स में जा रहा है। सर इस साल में करीब 12.5 लाख करोड़ का कैपेक्स होगा, उसी कारण से देखिए ऑल द जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करती हैं, जो कैपिटल गुड्स बनाती हैं, उनका बहुत तूफान है अभी आगे। तो अभी तो ये तो 12 लाख करोड़ का अभी तो हुआ भी नहीं है, अगले साल 15-17 लाख करोड़ का होगा। तो ये जो पॉजिटिव स्पायरल है वो बिल्ड होते आएगा, सो वो मुझे लगता है कि वो काफ़ी बड़ा ट्रेंड होगा और थोड़ा जल्दी अभी अर्ली स्टेज। सी ट्रेंड इन्वेस्टिंग में मज़ा क्या है कि आपको जल्दी पकड़ना पड़ेगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी अर्ली है। आई विश इट वॉज लास्ट ईयर, बट फिर भी आप मतलब अभी शुरुआत है ट्रेंड का, ये आगे काफ़ी बड़ा हो सकता है। ऐसे हम बहुत सारे चीज़ देखते हैं अभी सबके बारे में, तो क्या बात करें, तो ये सब जो मेरे ध्यान में आया जैसे फॉसिल फ्यूल टू रिन्यूएबल्स, उसमें काफ़ी बड़ा काम होगा और उसमें बहुत सारी कंपनीज को फ़ायदा होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेक्टर है और इसमें कैपिटल गुड्स भी कैपेक्स भी काफ़ी होगा और ऑपरेटिंग ऑपरेशंस को भी फ़ायदा होगा। सो मुझे लगता है वहाँ पर भी 2-4 बड़े वेल्थ क्रिएटर्स निकलेंगे। और बाकी फिनांस सेक्टर तो है, आपके लास्ट 25 साल में 10-12 ट्रिलियन का सेविंग्स हुआ, अगले 25 साल में 100 से 150 ट्रिलियन डॉलर का सेविंग्स होगा। तो उसके जितने भी एजेंसीज हैं, चाहे बैंक हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, आपके ब्रोकिंग हो, CDSL हो, मदर ने जो आपका एसेट मैनेजर कस्टोडियन कंपनी वगैरह हैं, सो सबके प्रॉस्पेक्ट स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, सबके रिजल्ट बहुत अच्छे रहेंगे और अभी तो शुरुआत है, मतलब आगे जो है अगले 10-15-20-25 साल तक बहुत बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा।
देखिए जैसे ऐसे तो इस देश की कहानी 75 साल पहले चालू हुई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 47, लेकिन आप ये देखिए कि ये जो एक इंडिया का एक समय आ गया है, इंडिया का मुहूर्त है, समझिए आप कि अगला 25 साल, अगला 8 साल उतना बड़ा होगा जितना बड़ा 75 साल हुआ। तो आपने जितना 75 साल में नहीं किए उतना आप 8 साल में करने वाले हो, तो आप समझो उसका मतलब क्या होता है। आप 4 ट्रिलियन के बेस में हैं, अगले 6 से 7 साल 8 साल में आप 8 ट्रिलियन के बेस पर जाओगे, और उसके अगले 7-8 साल में आप 16 ट्रिलियन के बेस पर हो जाओगे। तो ये जो जर्नी है, मतलब 4 से 16 की अगले 15-17 साल में, यही आपका मतलब एक अमृतकाल है इन्वेस्टिंग का, और उसकी शुरुआत आज हो रही है। तो हम ये बोलें कि इंडिया का मुहूर्त है, इंडिया के अगले एक दशक का एक मुहूर्त है, और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग बहुत पैसे कमाएं। ये तो बाज़ार है, यहाँ पर अथाह है, मतलब बहुत पैसे हैं। यदि आप इन्वेस्ट करें और स्पेकुलेशन ना करें, शॉर्ट टर्म गेन के पीछे ना पड़ें, आप यदि थोड़ा इन्वेस्टिंग माइंड सेट रखें, पेशेंस रखें, तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न आएगा और आपको एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहेगा। देखिए वही जो बात मैं पहले बोल रहा था कि भाई नया इन्वेस्टर आना, मतलब मैंने समझ लिया आप स्विमिंग पूल में आप स्विमिंग करने आ रहे हो, तो उस समय आपको अच्छा टीचर चाहिए। आप एक तो पहली बात जो है स्पेकुलेशन ना करें, और पर्टिकुलर यदि आपको नहीं आता तो करें ना, यदि आपको नहीं आता और इन्वेस्ट करो तो ये बाज़ार ऐसा है कि इसमें आपको सिखाएगा, वो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा लेकिन फिर भी आप सीख सकते हैं। लेकिन यदि आप ना समझी से आप स्पेकुलेशन करेंगे तो आपके रिजल्ट बहुत ख़राब रहेंगे। तो मैं नहीं चाहता किसी को भी पैसा इस बाज़ार में टूटे, यू नो ये बाज़ार ऐसा है, यहाँ पर पैसा टूटने काम नहीं है। जैसे वॉरेन बफेट साहब ने बोला है, रूल नंबर 1 डोंट लूज मनी, रूल नंबर 2 डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। तो ये जो मार्केट है, यदि ये लॉ कहीं अप्लाई होता है वो इंडियन मार्केट में अप्लाई होता है, लेकिन आपको पहले बिहेव करना पड़ेगा। आप नए हो यहाँ पर, इसके लिए अपॉर्चुनिटी ले आ रहे हो, तो आप सही काम करो, और सही काम ये है कि आप इन्वेस्ट करो और करो वो चीज़ जो आपको समझ है। सो यदि आप समझ के साथ में, पेशेंस के साथ आगे बढ़ोगे तो बहुत पैसे बनेंगे। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.